नमस्कार, न्यूज सेवन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमर राठी। आइए चलते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों की ओर। शामली में महिला छात्राओं के साथ हो रही छेड़छाड़ के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड्स ने फिर से मंचलों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। नगर के कॉलेजों स्कूलों के आसपास मंडराने वाले मजनों व बाइक पर एकरण घूम रहे संदिग्ध युवकों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया। इसके लिए सीओ सिटी ने पुलिस व महिला पुलिस की एक टीम बनाई। टीम में मजनू ऑपरेशन चलाकर सौदों को सबक सिखाया। पिछले कई दिनों से शामली शहर में छेड़छाड़ की घटनाओं की शिकायत और बुधवार को मंचलों द्वारा छात्रा की पिटाई किए जाने की शिकायत पर एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह को कार्रवाई के आदेश दिए। सीओ ने नगर कोतवाली व आदर्श मंडी में तैनात महिला व पुरुष सिपाहियों की एक टीम का गठन किया। टीम में महिला व एक पुरुष दरोगा को शामिल किया गया था। इस टीम ने नगर के मिल रोड पर अभियान चलाया। इस दौरान महिला कॉलेज के आसपास मंडराने वाले कई मजनुओं की महिला पुरुष कर्मियों ने जमकर खबर ली। महिला पुलिस ने मंचलों को जमकर धुना। महिला कॉन्स्टेबल ने कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों और सड़कों पर चलने वाली लड़कियों पर कमेंट्स करने वाले मंचलों के खिलाफ तड़ाका मार अभियान चलाया है। महिला कॉन्स्टेबल ने सादी वर्दी में अभियान चलाकर मंचलों की पिटाई की। वहीं मंचले महिला कॉन्स्टेबल से पैर पकड़कर अपने को छुड़ाने की गुहार लगाते रहे। मंचलों को सड़क पर रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर आधी जगह महिला कॉन्स्टेबल ने अभियान चलाकर मंचलों को मुर्गा भी बनाया है और तड़ाक तड़ाक से थप्पड़ भी बरसाए हैं। वहीं बाद में पुलिस ने सभी मंचलों को हिदायत देकर छोड़ दिया। पुलिस के इस अभियान से अकारण बाइक पर घूमने वाले सौदों में हड़कंप मचा रहा। शामली रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी संख्या 51910 में ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से एक युवक के दोनों पैर कट गए। घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। दरअसल घटना जनपद शामली रेलवे स्टेशन की है, जहां सुबह सहारनपुर से चलकर दिल्ली जाने वाली गाड़ी संख्या 51910 जो शामली से 8:45 बजे दिल्ली जाती है, रेलगाड़ी में जाने के लिए मोहसिन पुत्र यामीन निवासी कुड़ाना चढ़ने लगा तो रेलगाड़ी चल दी, जिससे उसका पैर फिसल गया और ट्रेन के नीचे आने से दोनों पैर कट गए। गंभीर हालत में घायल मोहसिन को जीआरपी पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराकर उसके परिजनों को सूचना दी। डॉक्टरों ने घायल मोहसिन की गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। मुजफ्फरनगर के बजाज शुगर मिल पर चल रहे धरना प्रदर्शन पर देर शाम पूर्व मंत्री हरेंद्र मलिक द्वारा 21 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने किसानों की समस्याओं को जानते हुए मर मिटने की बात करते हुए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भयंकर प्रहार किया। बुढ़ाना में बजाज शुगर मिल पर चल रहे धरना प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने मंच से कहा कि अगर शुगर मिल मालिकों ने किसानों का हक नहीं दिया तो यह लड़ाई जारी रहेगी जब तक किसानों का बकाया भुगतान नहीं हो जाता। वहीं यह भी कहा कि वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात का बखान करते रहते हैं, कभी हमारे किसान भाइयों की मन की बात सुनी होती तो पता चलता कि हमारे किसान भाइयों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, उनके घरों में चूल्हे जले हैं या नहीं और हमारे बच्चों को खाना मिला है या नहीं, बच्चों कि स्कूल की फीस गई है या नहीं, किसान भुखमरी की कगार पर आ गए हैं और ये नोटबंदी फिर जीएसटी ने ऐसी मार मारी किसानों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। बुढ़ाना से न्यूज सेवन के लिए गौरव पवार की रिपोर्ट। ये मुखिया चाहे लखनऊ में बैठे या सरकार के मुखिया दिल्ली में बैठे, आपके जो है रोज दिखा रहा है यहाँ पर हजारों लोग किसान यहाँ पर सभी गाँव के और उनका भुगतान जबकि प्रधानमंत्री ने कहा था इनको ब्याज भी मिलेगा, ब्याज को मिल रहा अभी तक मूल नहीं मिला और ये फैसला था कमिश्नर कहीं ना कहीं जो गफलत कर रहे हैं और हम कहीं जो है लखनऊ में भी और दिल्ली में भी हम इसके लिए बहुत सब
और अगर हमें के साथ भी जाना पड़ा तो हमारे साथ भी जाएंगे। जो है बेच रहे हैं जो डायरेक्ट जो पेमेंट जो है वो किसान के पास जाना चाहिए, उन्होंने रोक दिया है और शायद 13 से 15 करोड़ रुपया उन्होंने कई उधर खर्च कर दिया। ये एक बहुत बड़ा इलीगल है, जबकि ये कानून बन चुका है कि जिसमें किसान को चीनी के बाद में उसका 90% किसान की पेमेंट में जाएगा। तो ये जो है सरासर जो है ये बीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है और उसके खिलाफ जो है अगर हमें कोर्ट में भी जाना पड़ा, हम कोर्ट में भी हमारे हम अपने भाई हरिंदर मलिक जी से और पंकज मलिक जी से बात करके हम उसमें भी इनका साथ देंगे और हम किसानों की लड़ाई क्योंकि ये लड़ाई इनके हक की लड़ाई है, इनकी मेहनत की मजदूरी की लड़ाई है, ये लड़ाई नहीं है बल्कि इनका अधिकार है और इस अधिकार को लेने के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया था कांग्रेस राज शुगर को लेकर, आप फिर दोबारा अनुमति दी गई है राज शुगर को देश में लाने की, इस पर क्या है? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इन्होंने जो इल्जाम लगाए वो इल्जाम जो है आज तक साबित नहीं कर पाए और इनकी सबसे बुरी हालत ये है कि सरकार में तो आ गए लेकिन मनमोहन सिंह की बनाई हुई योगी की बनाई हुई 30 योजनाओं में से 19 योजनाएं इन्होंने वैसे एज इट इज बस सिर्फ नाम बदला है और नाम बदल के योजनाओं को वैसे ही चलाने की कोशिश की है। कहते हैं ना हाथ ना जाने क्या है नाच ना जाने टेढ़ा, इनका यही हाल हो गया है कि कभी आंख को टेढ़ा कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, नाचना आता नहीं है, सरकार चलाना आता नहीं है, अरे कम से कम कुछ नहीं आता, बोलना आता है तो झूठ बोल रहे हैं। दरअसल इन्होंने आज तक ना किसानों को लाभ दिया ना नौजवानों को रोजगार दिया और जो आज हालात है इस मुल्क के व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं। अभी योगी जी केरल में गए थे, आज उन्होंने कहा कि हिंसा का जो है राजनीति में कोई सरोकार नहीं है, हिंसा राजनीति और अलग अलग चीजें लोगों क्या करवा रहे हैं, किस तरह का क्या काम करवा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने लोगों को पत्थर पड़वा रहे हैं। इसमें पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए थे, एक दंगा हुआ था जिसका लेकर पूरी तरह से मलामत हुई और उसके बाद में जिस तरह दंगे हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसका विरोध किया है और ये पूरी तरह से असक्षम सरकार है उत्तर प्रदेश की, बिल्कुल योगी जी जो है किसी भी तरह से काबिल नहीं है। सर आने वाले समय में राहुल गांधी तो आप किस तरह से देखते हो? मैं किस तरह देखता हूँ, हमारा एक कार्यकर्ता इस बात की इंतजार कर रहा है कि राहुल जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, राहुल जी जो है और तेजी के साथ में काम कर सकते हैं, नेतृत्व मिल जाएगा सोनिया जी के गाइडेंस के उसमें हम तो चलकर और राहुल जी को मजबूत कर नोटबंदी और जीएसटी गलत नीतियाँ खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 7। ओसो दी पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रवेश प्रारंभ पी नर्सरी से कक्षा 9 तक प्रशिक्षित एवं योग्य स्टाफ सुसज्जित प्रयोगशालाएं वातानुकूलित अत्युत्तम प्ले क्लासरूम खेल खेल में शिक्षा डिजिटल स्मार्ट क्लास खेल कूद डांस के साथ ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था ओसो पब्लिक स्कूल चौधरी चरण सिंह कॉलोनी बाजार रोड शामली फोन नंबर 01398520960 मोबाइल 9657901617 9759381617।
हर समस्या पर उठाएंगे सवाल, होगी मुद्दों की बात, हर खबर सच्चाई के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुजफ्फरनगर में बुधवार से लापता 21 वर्षीय युवक का शव गन्ने के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहा तो ग्रामीणों ने पुलिस पर रिपोर्ट न लेने का आरोप लगाते हुए शव को उठाने नहीं दिया और हत्या करने वाले आरोपी को सामने लाने की बात पर अड़े रहे। दरअसल मामला तहसील बुढ़ाना के गांव वैली का है, जहां लापता 21 वर्षीय युवक रजनीश उर्फ पिंटू पुत्र जयप्रकाश को ईंट से पीट पीट कर शव को ईंट के खेत में फेंकने का मामला सामने आया है। तभी ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गन्ने के खेत में घंटों छानबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर खेत में काफी छानबीन की, लेकिन तब भी कोई सुराग नहीं मिला। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही के चलते ये हत्या हुई है। अगर पुलिस कल हमारी रिपोर्ट ले लेती और छानबीन करती तो आज हमारा लड़का जीवित होता। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कल शाम के वक्त एक फोन आया था, तभी से युवक गायब था। ग्रामीण फोन कॉल डिटेल के आधार पर हत्यारे को पकड़ने की बात पर अड़े रहे और घंटे शव को उठाने नहीं दिया। बाद में मौके पर पहुंचे एसडीएम कुमार भूपेंद्र और कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरिंदर सिंह के समझाने व आश्वासन पर आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के बाद शव को उठाने दिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सीओ हरिराम यादव ने बताया कि मामला पुरानी रंजिश का भी हो सकता है। बुढ़ाना से न्यूज 7 के लिए गोरप्पा मार की रिपोर्ट। जी ये कल 5 बजे के करीब की बात है, 5:15 बजे का। ये जो मेरे चाचा का लड़का है उसकी दुकान पे बैठा हुआ था, इसके पास एक नंबर से कॉल आया, उसके बाद ये घर गया। घर जाने के बाद कपड़े चेंज करके इस रास्ते की तरफ को, जहाँ ये रास्ता जो आता है इस तरफ को आया। उसके बाद में लगभग कोई 7-8 बजे के करीब, 6:30-7 बजे के करीब इसका नंबर ट्राई किया तो नंबर जो है स्विच बंद आया। उसके बाद में हमने इसके दोस्तों के पास फोन किया तो इसका कोई भी पता नहीं चला। जब जो है फिर गांव में अनाउंसमेंट करवाया, सभी गांव के लोग जो है ढूंढने के लिए इधर उधर गए सारी जगह, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। उसके बाद जो है सभी ने जो है मतलब जो भी लोग थे, किसी ने कभी किसी ने जो है सबने 100 नंबर के पास फोन किया, 100 नंबर की कोई गाड़ी यहाँ नहीं आई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हत्या हुई। पुलिस को कहा गया कि कातिल की तलाश करें, काम पुलिस का है। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष विवेचना के पक्ष में, किसी भी हस्तक्षेप के बिना बिल्कुल कड़ी कार्रवाई हो, निर्दोष को तो फंसाया जाए और दोषी बने। क्या मांग है परिजनों की? मांग परिजनों की तो ये कातिल पकड़ा जाए। बेचारे परिजन तो वैसे उनकी तो ये मानसिक स्थिति नहीं, वो कुछ मांग कर सके। रजनीश उर्फ पिंटू नाम के 22 साल के युवक का शव मिला है। हम लोग तुरंत मौके पर गए, मौके पर उसकी बॉडी मिली, फिर हम लोगों ने तुरंत डॉग स्क्वाड बुलाया और उस संदर्भ में डॉग स्क्वाड से सहायता ली। कल शाम से गायब था लड़का रजनीश, सुबह एस एच ओ के यहाँ रिपोर्ट भी हुई थी और इसको खोजी जा रही थी, सुबह बॉडी मिली है। अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है, सही कारण पता चलेगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई। मुजफ्फरनगर के कुरालसी में एक हफ्ते से मां भगवती मेला चल रहा है। यह मेला 59 सालों से लगातार लगता आ रहा है। मां भगवती के इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और देवी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर मां भगवती से मन्नत मांगते हैं। मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना क्षेत्र के कुरालसी गांव में पिछले 56 सालों से मां भगवती का मेला लगातार लगता आ रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु मेले में आते और मां भगवती के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। मां भगवती सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। यह मेला एक हफ्ते से चल रहा है। मेले में क्षेत्र और बाहर से लाखों श्रद्धालु आकर मां भगवती का दर्शन लाभ ले रहे हैं। मुजफ्फरनगर से न्यूज 7 के लिए गौरव पवार की रिपोर्ट। प्रसाद चढ़ाना है, यहां के लोगों की मन्नत पूरी होती है, मनोकामना जो मांगी जाती है देवी माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। कितने वर्षों से लगभग मेला चल रहा है? लगभग 59 साल से मेला चलता आ रहा है।
कितनी भीड़ रहती है इस मेले में आसपास के क्षेत्र में? लगभग इस मेले में लगभग लाख डेढ़ लाख श्रद्धालु हर साल इस मेले में रहती है। कितने दिनों तक लगता है मेला? ये मेला लगभग एक हफ्ते तक चलता है और चलते चलते 3 दिन हो चुके हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में जुटी गुलशन वेलफेयर सोसाइटी ने महिला सशक्तिकरण में जिला रामपुर में सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया। शहर में 6 अलग अलग जगहों पर सिलाई केंद्र लगाकर महिलाओं को सिलाई सिखाई जाएंगी, जिससे महिला खुद को सशक्त महसूस करेंगी। सोसाइटी के सचिव वसीम खान ने बताया कि गुलशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शहर में 6 जगहों पर सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें मोहल्ला पुराना गंज से शुरुआत करते हुए रामपुर में अन्य 5 जगहों पर भी सिलाई केंद्र लगाए जाएंगे। सिलाई केंद्र के उद्घाटन में लगभग 40 से 50 महिलाओं ने सिलाई सीखने के लिए अपना नाम लिखकर हिस्सा लिया। सिलाई केंद्र पर दिन में 2 बैच लगाकर सिलाई सिखाई जाएगी। साथ ही साथ भेदभाव को पीछे छोड़ते हुए मोदी जी के सबका साथ सबका विकास विचार के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने कहा, सिलाई केंद्र पर नामांकन भरने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, इसमें सभी भागीदारी लेंगे। आगे बताते हुए सोसाइटी के सचिव ने बताया कि सोसाइटी द्वारा समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है। रामपुर से न्यूज 7 के लिए बाबर खान की रिपोर्ट। ये आज गुलशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सिलाई सेंटरों का उद्घाटन था, जिसमें हमने 6 नगर के अंदर सिलाई सेंटर खोल रखे, जिसमें एक ये पुराने गंज में खोला है, एक मोहल्ला भजी टोला में खोलेंगे, एक पक्के बाग पे खोलेंगे, एक मुल्ला आजम की तालाब पे खोलेंगे, एक राजद्वारे में खोलेंगे। इस तरह से सिलाई सेंटर 6 सिलाई सेंटर खोल रखे हैं। इसमें हमारी यहाँ पे एक पुराने गंज में जो महिलाएं हैं वो लगभग 40 से 50 हैं। 2 लगेंगे, एक 10 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक। उसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग सारे हमारा किसी तरह का भेदभाव कुछ नहीं है, ना हिंदू ना मुस्लिम, सब सारे लोग एक हैं। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।